वहीं शहर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भाग्य आजमा रही कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पवार के समर्थन में रामना राजपूत समाज की बैठक रातनाड़ा स्थित पूरननाथ ट्रस्ट में आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्षद गणपत सिंह चौहान, कुड़ी सरपंच देवी सिंह सिसोदिया सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस ने मनीषा पवार को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, तो समाज के सभी समाजों का सहयोग लेकर कांग्रेस प्रत्याशी को बड़ी जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेगा। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रीमान अशोक जी गहलोत महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का समस्त राणा राजपूत समाज की ओर से आभार व्यक्त किया गया। साथ ही साथ राणा राजपूत समाज से न केवल जोधपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में हम लोगों ने अपील की है कि पूरा राणा राजपूत समाज पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा मत एवं समर्थन देकर विजयी बनाए। तमाम जो हमारे भाई बंधु हैं उन सब लोगों को सबको एक साथ लेकर के और हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से विजय होंगे। आज की रणनीति के तहत आज हमने ये प्रथम बैठक आयोजित की है और आगे भी हम सभी जगह जाएंगे और न केवल समाज को बल्कि दूसरे समाज के लोगों को भी साथ लेकर के और ओबीसी पूरे को साथ लेकर के हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे।